कहाँ से कहाँ जाएगी उधर फेंकने के लिए। स्टाफ और वो सब गिने जा रहे हैं, और उसके बाद जो इसेंशियल सर्विसेज वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अलग है, जिनकी अभी हमने गिनती नहीं की है। जो हमारा सेटअप है उसमें थ्री टीयर सेटअप है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टोर है कि जब वैक्सीन श्रीनगर से प्रोविंस लेवल से जब हमें दी जा रही है तो हम इमीडिएटली उसको कहाँ रख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमें स्पेसिफिकली उसके लिए ILRs और डीप फ्रीजर्स आए हैं। उसके बाद में इट इज़ टेकन टू कोल्ड चेन पॉइंट्स जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 14 हैं, उसमें से भी एक दो अभी आप शायद हम बेसिकली जितने PHCs और CHCs हैं जहाँ पे ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन के लिए जो डीप फ्रीजर्स रखे जाते हैं वो अवेलेबल हैं, और ये मतलब हमें 24/7 मतलब ज़रूरी है रन करना, एज इन कि उनको इलेक्ट्रिसिटी सब प्रोवाइड करना ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। और उसके आगे रहेंगे वैक्सीनेशन पॉइंट्स सेंटर्स रादर जहाँ पे एक्चुअल में जो इंजेक्शन होंगे वैक्सीनेशन के वो लगाए जाएंगे लोगों को, और वो हैं टोटल 75 इन द होल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से सारे जो सब सेंटर्स PHCs CHCs वो तो इंक्लूडेड हैं ही, उसके अलावा हमने कुछ स्कूल स्टाफ भी रखा हुआ है। और हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पे 5 लोगों की टीम होगी जिसमें हमारे 2 हेल्थ वर्कर्स होंगे, एक आशा वर्कर प्लस सिक्योरिटी एक तो होगा ना, जो वैक्सीनेटर होगा वो 2 होंगे, दैट इज बेसिकली FMPHW FMPHW या पैरामेडिकल कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेंड मेडिकल स्टाफ वन फ्रॉम द पुलिस। हाँ, पर हमने उस दिन रियलाइज किया था कि हम आशा वर्कर इन एडिशन टू दैट 2 रख रहे हैं, तो मान लीजिए कि 2 पहले या तो FMPHW या तो कोई स्टाफ नर्स या कोई पैरामेडिकल स्टाफ में इंक्लूडेड होगा जो मतलब ट्रेंड होगा वैक्सीनेशन में, और उसके अलावा एक आशा वर्कर है, उसके अलावा एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से टीचर रहेगा जो बेसिकली BLO ही होगा जो डाटा पंचिंग में इन्वॉल्व होगा। मैं वैसे ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे ZDO मौजूद हैं, ZDU जैनपुरा नहीं, और ये जो हमारे कोई जो टीचर हैं यहाँ। अच्छा, आपने ट्रेनिंग ली थी उस ऐप पे, लेवल पे बुला के समझा दीजिए क्या काम, इनफैक्ट मंडे को ही फिर से बुला दीजिए। और उसके अलावा एक हेल्थ सॉरी पुलिस स्टाफ रहेगा और एक आंगनवाड़ी वर्कर रहेगी, वैक्सीनेशन सेंटर है उसके सेटअप में भी यहाँ पे 3 टीयर एक सिस्टम है, जैसे वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम, जैसे कि अगर कोई फॉर इंस्टेंस किसी